अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाए जा रहे हैं पापड़ी और चना चाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चना चाट, जिसके लिए हमने समोसों की पट्टियाँ ले ली हैं, जिसको मैं दरमियान में से कट कर लूँगी। हाफ कप मैंने चने लिए हैं, हाफ कप ही मैंने पकौड़ियाँ जो हैं वो भिगो के रख ली हैं। एक बॉयल आलू कर लिया मैंने, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 कप मैंने दही ली है, 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, 1 हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली है। इसके लिए नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला है, साथ में मैंने ग्रीन चटनी जो है वो इस तरह बनाई है कि हरी मिर्च, धनिया और दही को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल में दही डाल ली है, अब हम दही को मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने ग्रीन वाली दही डाल दी है। नमक, चाट मसाला, अब हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल लें, ग्रीन मिर्च, प्याज, अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं, पकौड़ियाँ, चने, इनको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। चाट हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसके लिए पापड़ी रेडी करेंगे, जिसमें हमने इसको सर्व करना है, यानी कि पापड़ी की प्लेट्स रेडी करेंगे। इसको मैं मिड में से कट कर लूंगी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया हुआ है, इसको मैं इस तरह से फ्राई करूंगी ताकि ये गोल सा बन जाए और फिर हम इसमें अपनी जो चाट है वो डालेंगे। ये हमारी कटोरी सुई जो है रेडी हो गई है। इसी तरह मैं बाकी सारी भी फ्राई कर लूंगी। हमने अपनी सारी पापड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। ये बाउल्स हमारे रेडी हो गए हैं चना पापड़ी चाट के लिए। और ये देखें, ये हमने इसको ऐसे ही मैं सारी जो है वो बाउल्स में चाट डाल लूंगी। हमारी जो चना पापड़ी चाट है वो रेडी है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स कीजिएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।